हेलो दोस्तों, मैं मनीषा आप सबका वेलकम करती हूँ अपनी मनीषा व्लॉग्स चैनल में। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं यहाँ नहा के आ गई हूँ। अब मैं जाऊँगी पूजा करने। आज मैं और मेरी पूरी फैमिली जा रहे हैं एक बहुत ही पावन जगह, जहाँ जाके मन को बहुत ही शांति और खुशी मिलने वाली है। तो फ्रेंड, मैं बता दूँ कहाँ जा रही हूँ। हम पूरी फैमिली जा रहे हैं नैमिषारण्य। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो में, और देखिए कि नैमिषारण्य कैसा है, क्या क्या है। तो बस मैं यहाँ पूजा करूँगी और उसके बाद जाऊँगी नीचे, चाय बनाऊँगी और नाश्ता वगैरह हम रास्ते में ही करेंगे। तो फ्रेंड, बस हम यहाँ रेडी हो गए हैं, ये देखिए, और निकल गए हैं। तो बस मैंने चाय बनाया था, हम सब चाय पिए और उसके बाद निकल गए। 9 बजे के आसपास हम निकल गए थे। तो लास्ट टाइम जब मैं अपने ससुराल आई थी, तब भी हम गए थे अयोध्या घूमने। तो हम ऐसे ही किए थे, हमारा जो प्लानिंग होता है ऐसे ही होता है, हम सुबह ही निकल जाते हैं चाय पी के और जो नाश्ता वगैरह होता है हम रास्ते में करते हैं। तो नैमिषारण्य जो है एक तीर्थ स्थल है, बहुत ही पावन जगह है और इसके बारे में मैंने बहुत सुना है। और फाइनली आज हम जा रहे हैं घूमने। तो जब भी लखनऊ में अपने ससुराल आती हूँ तो मेरे हस्बैंड को रहता है कि पापा मम्मी के साथ हम कहीं ऐसी अच्छी पावन जगह जाएं, मंदिर घूमें, उनको भी घुमाएं, क्योंकि जो बुज़ुर्ग होते हैं ना उनको बहुत अच्छा लगता है मंदिर वगैरह जाना। तो ये देखिए रास्ते का वीडियो है और रास्ते में इतने सारे आम के पेड़ मैंने देखे और सारे पेड़ों पे बहुत सारे आम लगे हुए थे, बट कच्चे अभी पके हुए नहीं थे। तो वो देख के बहुत ही मुझे अच्छा फील हो रहा था। तो ये देखिए मौसम भी आज बहुत ही प्यारा था, गर्मी या धूप वैसी नहीं थी, तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा था, हम सबको अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम क्या किए कि कार में ही भगवान के भक्ति गाना लगा दिए थे। तो अभी हम आ गए हैं खाने, ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं। ये समोसे हैं तो क्या बताओ, अच्छा नहीं है इसका। नाश्ता करके हम लोग बाइक में जा रहे हैं, गाड़ी में, और अब हम बस पहुंचने वाले हैं मंदिर 10-15 मिनट में। तो चलिए आप भी देखिए, बहुत ही अच्छी, हम लोग वेट कर रहे हैं मानवी के लिए। अभी चॉकलेट आ रहे हैं, आ गई, रुको, पापा चॉकलेट ये है। और जितना मैं मना करती हूँ उतना ही मानवी के लिए चॉकलेट खिलाता है।
उसके बाद हम आगे त्रिशक्ति धाम, और ये देखिए यहाँ विष्णु जी की ये अद्भुत प्रतिमा देख के इतनी खुशी मिली और इतनी शांति मिली, और रियली बता रही इसको देख के बहुत ही खुशी मिली। तो आप यहाँ ज़रूर जाएं दर्शन करने। और यहाँ दुर्गा माँ का भी एक बहुत ही प्यारा अद्भुत मूर्ति बना है जो आप आगे देखेंगे। और इसके बाद ये पीछे विष्णु जी के पीछे ही मंदिर है, इसमें भी बहुत सारे भगवान रखे। तो अभी मैं आपको साथ में ले चलती हूँ, आप भी दर्शन कर लो। तो ये प्यारा प्यारा मूर्ति देख के, और ये मंदिर मतलब इतना प्यारा है, और ये जगह इतना प्यारा है कि आप आओगे ना तो आपको मन को बहुत ही खुशी मिलने वाली है। और ये देखिए दुर्गा माँ का अद्भुत प्रतिमा, जिसको देख के आपको बहुत ही मन को शांति और खुशी मिलने वाली है। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आप कहीं अच्छी जगह तीर्थस्थल घूमना चाह रहे हो तो आप नैमिषारण्य ज़रूर जाइए, अपने परिवार को ले जाइए, क्योंकि उनको भी यहाँ के बहुत ही खुशी और शांति मिलने वाली है। और उसके बाद हम आ गए गोमती रिवर घाट, जो कि ऐसा है, ये देखिए यहाँ सीढ़ियाँ हैं, तो उसके पीछे आपको मैं दिखाती हूँ क्या है। तो ये है गोमती रिवर घाट, ये भी बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ भी आप अपने परिवार के साथ आइए, घूमिए, दर्शन करिए। तो सीढ़ियों को ऐसे चढ़ने के बाद इसके पीछे आपको कुछ ऐसा दृश्य दिखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये देखिए, और वो रहा गोमती रिवर घाट। तो यहाँ भी काम चल रहा है। ये रही मेरी बिटिया मानवी, मेरे हस्बैंड, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ। उसमें बोट भी है, आप चाहो तो उसमें बैठ सकते हो। ये देखिए गोमती रिवर घाट का जो दृश्य है ये कुछ ऐसा है। और यहाँ मेरी मम्मी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक गई हैं, क्योंकि हम अभी बहुत सारे दर्शन मंदिर के करके आए हैं ना, तो इसलिए थोड़ी बहुत थक गई हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद हम आ गए श्री राधा कृष्ण मंदिर एंड श्री सत्यनारायण मंदिर, ये भी बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और ये पावन जगह, ये पवित्र जगह और इतना प्यारा वीडियो आप देखिए, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए वहाँ मंदिर के अंदर मैंने वीडियो नहीं बनाया, बट वहाँ भी बहुत सारे भगवान की मूर्ति थी, विष्णु जी की, राधे कृष्ण जी की। उसके बाद वहाँ से निकल के यहीं पास में ही, मतलब अंदर ही ये था, यहाँ है शंकर जी, पार्वती जी, तो इनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं। और फिर यहीं से निकल के बिल्कुल बगल में ही, ये देखिए यहाँ से निकल के थोड़े ही दूर पर, मतलब बगल में ही हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ भी जाते हैं। इस वीडियो को मैं ही एंड करूँगी। आई होप आपको ये तीर्थ स्थल नैमिषारण्य बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए।